जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में फेस की स्किन बिल्कुल बेकार हो जाती है, चमक एकदम ख़त्म हो जाती है, फेस की ग्लो एकदम ख़त्म हो जाती है, कोई भी फेस के अंदर रौनक नहीं रह जाती है, एकदम निर्जीव सा फेस हो जाता है, काला पड़ने लगता है, डल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम सर्दियों में भी अपने फेस को चमकदार बनाए रख सकते हैं, ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है और लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, हर किसी पर वो बराबर काम करेंगी, चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं। तो जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है कि सर्दियों में उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, कई लोगों को आपने सुना होगा गर्मी में स्किन काली पड़ जाती है, फेस डल हो जाता है, रौनक ख़त्म होती है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी में भी होता है। तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि कुछ लोग सर्दी में पानी को छूने में डरते हैं, जल्दी ढंग से अपने चेहरे की साफ़ सफाई नहीं करते, स्किन को साफ़ नहीं करते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सर्दी कितनी भी हो हल्के गुनगुने पानी से आपको नहाना भी है और अपने फेस की स्किन का ध्यान भी रखना है, साफ़ सफाई करनी है। दूध में रुई भिगो करके क्लीन करने के लिए मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है। अभी क्या है, इसमें दूध बहुत ठंडा हो जाता है, तो अगर आपको बहुत ठंडी चीज़ें छूने से डर लगता है, कई लोगों को बहुत लगता है, तो आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिए दूध को। हालांकि कच्चा दूध बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, हल्का सा गुनगुना कीजिए, उसमें रुई का वहाँ डाल करके उसके बाद में अपने पोंछ के चेहरे को साफ़ कर लीजिए। या जब आप नहाने लगते हैं, नहाने से 7-8 मिनट पहले, 6 मिनट पहले या 5 मिनट पहले बेसन का एक पतला घोल बना करके अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। उसके बाद में 5-10 मिनट पीछे जब आप नहाने जाएंगे, अपने हाथों को गुनगुने पानी से गीला कीजिए, फिर अपने हल्के हल्के हाथों से मलते हुए फेस का जो बेसन है ये गीला हो जाएगा, उतार दीजिए और उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए और नहा लीजिए। चेहरे को कभी भी आपको ड्राई नहीं छोड़ना है, जब भी आप नहा के आएंगे, चेहरा धोने के बाद में आपको नारियल तेल से अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है। नारियल तेल लीजिए, इस तरीके से मलिए अपने हाथ के ऊपर, फिर हल्के हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना तो नारियल तेल लगाना ही बहुत है, काफ़ी है, इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपको लगता है मेकअप लगाना ज़रूरी है, तो नारियल तेल के ऊपर से इसको लगाने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं है। नारियल तेल आप मॉइस्चराइज़र की तरह लगा लीजिए, आप समझ लीजिए आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर से आप कोई भी मेकअप लगा सकते हैं। अपने फेस के ऊपर आप साबुन मत लगाइए, हमेशा कहती हूँ साबुन लगाना हमेशा हानिकारक होता है, स्किन को ख़राब करता है साबुन, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होते हैं। बेसन से अपने चेहरे को धो लीजिए, मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए, एलोवेरा में नींबू मिक्स करके उसको अपने फेस के ऊपर लगाइए, 5-7 मिनट के बाद में हल्के गुनगुने पानी से धो दीजिए या गीले स्पंज से पोंछ दीजिए, फिर चेहरे को धो लीजिए। चेहरा एकदम निखर जाएगा, खिल जाएगा, आपके चेहरे का रंग साफ़ हो जाएगा। दिन भर आप धूप में बैठते हैं तो भी आपके चेहरे का रंग काला होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी डलनेस आ जाती है, फेस की ग्लो ख़त्म होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नियमित पूरी सर्दी भर आपको हर तीसरे दिन ये फेस पैक लगाना है जो कि अब मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच ग्लिसरीन, 1/2 चम्मच दूध की मलाई। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अगर फेस के ऊपर दाग धब्बे हो गए हैं धूप में बैठने के कारण या पॉल्यूशन से, या हल्की फुल्की झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल हैं, तो आप इसी के अंदर 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर लीजिए। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंटने के बाद में धुले साफ चेहरे के ऊपर इसकी एक मोटी लेयर लगा करके 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट के बाद में हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को भीगा गीला कीजिए, उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए पहले इसको मलिए 2 से 3 मिनट। जब पूरी तरीके से चेहरा गीला हो जाए, आपको लगे कि हाँ पूरा मटेरियल अब भीग चुका है, छूट चुका है, फिर आप पानी से छींटे मार कर गुनगुने पानी से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद में जब आप चेहरे को पोंछेंगे, फिर आप 1/2 चम्मच गुलाब जल हथेली पर लीजिए, मलिए, हल्के हल्के थपथपा के अपने स्किन के ऊपर लगाइए, फेस के ऊपर 2-3 मिनट रुकिए जब तक ये गुलाब जल पूरी तरीके से आपकी स्किन के अंदर ना चला जाए। फिर जैसे ही गुलाब जल सूख जाएगा स्किन में, आप नारियल का तेल लीजिए और इस तरीके से मलिए और मॉइस्चराइजर की तरह अपने फेस के ऊपर लगा लीजिए। और ये जो चीज़ मैंने आपको फेस पर लगाने के लिए बताई है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, अगर हाथों की स्किन ख़राब हो रही है तो आप हाथों पर भी लगा सकते हैं, पैरों पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन तो हमारे ही बॉडी की है। आपका जो भी आपको लगता है, जहाँ की भी स्किन आपकी, कुछ लोगों का ये हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपकी कलाइयाँ ख़राब हो गई हैं उन पर लगा सकते हैं,
गर्दन पे लगा सकते हैं, तो आप अपनी केयर के लिए इसको लगा सकते हैं पूरे बॉडी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी काम की लगी होगी। अगर वास्तव में लगे कि वीडियो है काम का, फ़ायदेमंद है, तो और लोगों में भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।